बेगूसराय में पुलिस वाहन की ठोकर से बाइक सवार पिता की जहां मौत हुई, वहीं दो पुत्र घायल हुए। घटना मुफसिल थाना के आठवां ढाला की है। घटना से नाराज लोगों ने पुलिस पर कार्रवाई की मांग को लेकर शव लेकर सदर अस्पताल से भागकर घटना स्थल पर पहुंचकर जाम कर हंगामा किया। बताया जाता है कि खजानपुर निवासी मंजन सिंह अपने पुत्र को लेकर बेगूसराय आ रहे थे, तभी बेगूसराय की ओर से जा रही बखरी थाना पुलिस से टकरा गई। इस घटना में मंजन सिंह की मौत हो गई। शव जब सदर अस्पताल पहुंचा तो पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए तैयार कागजात पर मौत का कारण बाइक से हादसा होना लिख दिया, जिससे परिजन व ग्रामीण उग्र हो गए। पुलिस से कागजात छीन कर फाड़ दिए और शव लेकर भाग गए। परिजन शव को आठवां ढाला लेकर पहुंचे और जाम कर हंगामा शुरू कर दिया। फिलहाल डीएसपी और पुलिस मौके पर लोगों को समझाने का प्रयास कर रही है, लेकिन पुलिस मानने को तैयार नहीं है उनकी मांग मानने को तैयार नहीं है कि बखरी थाना पुलिस को मौके पर बुलाया जाए। खंजापुर से गाड़ी आ रही थी, बसवा ढला के पास मंजन सिंह आ रहे थे, दो लड़का और ये अपने साथ में आ रहे थे। इधर से बखरी थाना का टाटा सुमो गाड़ी जा रही थी, ओवरटेक करने मैंने आमने सामने टक्कर मार दी थाना प्रभारी की गाड़ी से टक्कर लगी। उसके बाद आनंद फनन में भी गाड़ी पर टेम्पो पर लाद कर लाद दिए, फरार हो गए। क्या हुआ इस घटना में? उसी समय इनका मौत हो गया। उसके बाद लाद कर हम लोग सदर अस्पताल लाए। किल्ली मोहनपुर से लौट रहे थे, बंदवार ढाला पर आए तो बखरी इंस्पेक्टर साहब ने हमको फ़ोन किया कि जो मोहनपुर के कोरिया के आगे एक्सीडेंट हो गया, से जल्दी से आइए। हाँ, वो हमको जाते वो जब इधर से पास कर रहे थे तो देखे, देखने के बाद वो हम वहाँ से टोटल आदमी गए तो रास्ते में वो टेम्पो पर लाद के इसको भेज रहे थे, क्योंकि ऐसे ऐसे वो पीला टेम्पो पर गया है से देखे। तो उसके बाद हम लोग साथ ही यहाँ हॉस्पिटल तक लाए हैं अपना, उसके बाद दोनों लड़का के इलाज करवा रहे हैं। क्या पता एक की मौत हुई है, दो लोग घायल हैं। हाँ, ये लोग कह रहे हैं कि पुलिस गाड़ी से हुआ है, कुछ पता चला है? ये बात हमको कोई जानकारी।